नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हिंदी की कक्षा में आप सबका फिर से स्वागत है। तो बच्चों बताओ कि पिछले दो कक्षा में हम किन व्यंजनों की कहानी सुने थे? क और ख। आज हम क की कहानी सुनने वाले हैं। आओ चले। तो आज हम गगन, क से गगन, क से गगन। गरिमा, ग से गरिमा, ग से गरिमा। गगन और गरिमा की कहानी सुनने वाले हैं। तो बच्चों गणेश महोत्सव का त्योहार चल रहा था। गगन, गरिमा और उनके माता पिता गणेश महोत्सव देखने दगड़ूशेठ गए थे। गगन, गरिमा और उनके माता पिता सभी दगड़ूशेठ पंडाल के अंदर गए। काफी भीड़ थी। वहां उन्होंने क्या देखा? वहां उन्होंने गणपति जी को देखा। ग से गणपति, ग से गणपति। बच्चों गणपति जी का दूसरा नाम क्या है? ग से गजानन, ग से गजानन। और गगन गरिमा ने गणपति जी के आजू बाजू क्या देखा? ग से कमला, ग से कमला। गमलों में रंग बिरंगे फूल सजे हुए थे। गगन गरिमा ने गणपति जी के हाथों में क्या देखा बच्चों? ग से गदा, ग से गदा। गगन और गरिमा ने देखा दगड़ूशेठ गणपति जी के गले में बहुत सारे गहने पहनाए हुए थे। ग से गहना, क से कहना, क से गला, क से गला। देखते देखते शाम हो गई थी। दगड़ूशेठ पंडाल के पास एक छोटी सी मार्केट लगी हुई थी। गरिमा ने अपने लिए कचरा लिया। क से कचरा, क से कचरा। और गगन और गरिमा ने गन्ने का रस पिया, गन्ने का रस पिया। ग से गन्ना, ग से गन्ना। और अपने लिए गाठिया लिया, ग से गाठिया, ग से गाठिया। काफी रात हो गई थी। गगन और गरिमा का परिवार अपने घर की ओर निकल पड़ा। दोनों काफी थक गए थे। घर पे आने के बाद गगन और गरिमा की माता ने दोनों को गरम गरम दूध दिया। क से गरम, क से गरम। दोनों दूध पीकर गहरी नींद में सो गए। ग से गहरी, क से गहरी। तो बच्चों आपको ग की कहानी कैसी लगी? अभी सारे ग से शुरू होने वाले शब्द का अभ्यास करेंगे। क से गगन, क से गगन। क से गरिमा, क से गरिमा। क से गणपति, क से गणपति। क से गजानन, क से गजानन। क से कमला, क से कमला। क से गदा, क से गदा। क से गहना, क से गहना। क से कला, क से कला। क से गन्ना, क से गन्ना। क से गाठिया, क से गाठिया। क से गरम, क से गरम। क से गहरी, क से गहरी। तो आओ बच्चों अभी क कैसे लिखते हैं उसकी एक छोटी सी वीडियो देखेंगे।